हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए फटाफट से, ताकि आज का ये सेशन हम लोग जल्दी से शुरू कर सके। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग भाई। तो हम लोग कल के क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाई घर्षण बल, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण, राइट? यस। तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, घर्षण को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, फ्रिक्शन पे ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी और हमने देखा था कि अगर हमको दो सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन बढ़ाना हो, घर्षण बल को बढ़ाना हो, तो क्या दो तरीके हो सकते हैं भाई? घर्षण बल को बढ़ाने के दो तरीके क्या हो सकते हैं? पहला तरीका हो सकता है कि सतह को क्या कर दिया जाए, रफन कर दिया जाए, रूखा कर दिया जाए। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, कि मास बढ़ा दिया जाए, है ना। फ्रिक्शन बढ़ाने के ये दो तरीके हैं, सतह को क्या करना, रूखा करना, और उसका मास बढ़ाना, है ना, उसका मास बढ़ाना यानी द्रव्यमान बढ़ाना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, घर्षण बल, घर्षण बल के बारे में बात करते हैं कि घर्षण बल कितने प्रकार के हैं, है ना, घर्षण बल कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए पीछे जो भी लिखा है आप भूल जाइए, पीछे जो भी लिखा है आप भूल जाइए और आप बहुत आराम से बेसिक एक एग्जाम्पल समझ के देखिए। आपने अक्सर महसूस किया होगा, आपके कमरे में मान लीजिए एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ, ठीक है, आपको उस सोफे को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कराना है। आपको उस सोफे को क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस पर अपना पूरा बल लगाएंगे उसको शिफ्ट करने के लिए, है ना। मुझे एक सेकंड यहां पे देखिए, चलिए ये सोफा है आपके पास, है ना, आपको इस सोफा को आगे शिफ्ट कराना है, तो क्या करेंगे आप, अपना पूरा फोर्स, पूरा बल लगा देंगे कि आप इसको आगे शिफ्ट करें, आगे इसको क्या दे, दबाव के साथ कुछ प्रेशर लगाएं, कुछ फोर्स लगाएं, कुछ बल लगाएं और आगे इसको मूव करें। अगर ये सोफा बहुत भारी हुआ तो आपको बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। वो ज्यादा बल क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी बल लगाएंगे उसके विपरीत, उसके विपरीत घर्षण बल काम करेगा। आप जो भी बल आगे की दिशा की ओर लगाएंगे, ठीक उसके विपरीत, ठीक उसके विपरीत फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल जो है वो काम करेगा, है ना। अब दूसरी स्थिति देखिए, मान लीजिए आपने इसको, आप कामयाब हो गए, आपने इसको, आप धक्का देने में सक्षम है। जब ये एक बार चल पड़ेगा, जब ये एक बार खिसकना शुरू हो जाएगा, फिर इसको आगे खिसकाने में क्या आपको कम बल लगाना पड़ेगा या ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? दोबारा से समझिए, मैं आपसे पूछना क्या चाह रही हूं, आप खुद ही इसका जवाब दे देंगे। ये सोफा पहले बिल्कुल स्थिर था, शुरुआती में आपको इसको खिसकाने के लिए आपने बल लगाया, तो शुरुआती बल ज्यादा लगेगा या बाद में जब ये चलना शुरू हो जाएगा तो बाद का बल ज्यादा लगेगा? जल्दी से आंसर करिए, यस, फटाफट से आंसर दीजिए। बाद वाले में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। चलो बताओ, बताओ अपना ऑब्जर्वेशन बताओ आप। शुरुआती बल, यस, बाद वाला कम लगेगा, बाद वाला कम लगेगा, ठीक है, गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये ऐसी चीज मैंने आपसे इसलिए पूछी, ये फिजिक्स तो बाद में है, ये हमारी डेली लाइफ की चीज है ना। स्पेशली जो लड़के हैं वो तो ये काम बहुत करते हैं घरों में भाई, फर्नीचर को आगे पीछे करने का काम घरों में, है ना। सबसे पहले मम्मी आपको ही बुलाती होंगी, इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, राइट। तो बहुत जाहिर सी बात है कि शुरुआती बल आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। एक बार अगर वो मोशन में आ जाए, एक बार अगर वो मोशन में आ जाए, गति में आ जाए, तो आपको बल कम लगाना पड़ेगा, बाद में बल कम लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। स्टार्टिंग में जो ज्यादा बल लगाया, शुरुआती में जो आपने बल लगाया, ये एक वस्तु जो अपनी जगह पर स्थिर है ना, अपनी जगह पर स्थिर है, आपने शुरुआती फोर्स लगाया, तो इसके इसके जवाब में ये घर्षण बल लग रहा है ना, ये घर्षण बल लग रहा है इसके जवाब में। इस घर्षण बल को हम क्या नाम देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। जो शुरुआती फ्रिक्शन, जो शुरुआती घर्षण बल काम कर रहा है, जो शुरुआती घर्षण बल काम कर रहा है वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, ठीक है।
जब आपने उस सोफे को आप मोशन में ले आए, जब आपने उस जब आप उस सोफे को मोशन में ले आए है ना, जब वो चलने लगा तो उसके बाद आपको कम लगाना पड़ा फोर्स, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण कम है, सर्पी घर्षण कम है ना, इसीलिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ा, बाद का फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बाद का फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकती हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बड़ा है, स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से बड़ा है? क्या मैं कह सकती हूँ? यस नितिश, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, गाड़ी में धक्का लगाने जैसा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एग्जाम्पल, एक्चुअली सोफे से ज्यादा सटीक एग्जाम्पल नितिश ने दिया है, गुड है ना, बिल्कुल सही। आपकी गाड़ी एक जगह रुक जाती है, आप उसमें धक्का लगाते हैं, तो शुरुआती में ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है, वो फोर्स ज्यादा होता है, क्यों? वो बल ज्यादा होता है, क्योंकि जवाबी में जो फ्रिक्शन बल होता है, जो घर्षण बल होता है, वो कौन सा घर्षण बल है? स्थैतिक घर्षण, जो कि ज्यादा है। एक बार गाड़ी चलने लगी, थोड़ी थोड़ी लुढ़कने लगी, तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण, जो कि कम होता है, ठीक है, जो कि कम होता है, ठीक है। सब सहमत हो यहाँ पे? कोई ऐसा है जो असहमत है मेरी बात से? यहाँ पे दोनों चीजें आपको समझ में आई हैं बहुत क्लियरली, आई डोंट थिंक कोई भी असहमत होगा इस बात से। स्टैटिक और स्लाइडिंग में कोई अगर पूछे कि सबसे अधिक फ्रिक्शन कौन सा है, या सबसे ज्यादा अधिक बल कौन सा है भाई, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, है ना, ठीक है, सब सहमत है भाई यहाँ पे? चलिए आगे चलते हैं, दूसरी स्थिति, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी स्थिति लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक दूसरी स्थिति लेते हैं, ठीक है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, जो लोग लेट आए हैं गुड इवनिंग। चलिए, आप जा रहे हैं मस्त कहीं घूमने, ठीक है, आप मस्त कहीं घूमने जा रहे हैं, ये एक बैग है आपके पास ए, ठीक है, आप इसको कैरी करके जा रहे हैं, आप इसको उठाकर जा रहे हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ये आपके पास दूसरा बैग है। अब इस बैग की खासियत है कि इसमें पहिए लगे हुए, इस बात की खासियत है कि इसमें पहिए लगे हुए, ठीक है। आप ज्यादा आसानी से कौन सा बैग ले जा सकते हैं, ए या बी? आप ज्यादा आसानी से कौन सा बैग ले जा सकते हैं, ए या बी? जाहिर सी बात है, सब सहमत है बी बैग ले जा पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें पहिए लगे हुए हैं, इसमें पहिए लगे हुए हैं। जब आप इस बैग को लुढ़काते लुढ़काते ले जाएंगे, तो इसमें ये आपने बल आगे लगाया, इस तरफ कौन सा बल लगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। जब आप मोशन में हैं, बैग भी मोशन में है, आप आगे फोर्स लगा रहे हैं, आगे की ओर बल लगा रहे हैं, तो यहां पर घर्षण बल पीछे की ओर काम कर रहा है। ये घर्षण बल कौन सा घर्षण बल है? ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है यानी सर्पी घर्षण, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है यानी सर्पी घर्षण है। इस केस में देखिए, जब आप आगे ले जा रहे हैं, बल आगे की ओर लगा रहे हैं, इस स्थिति में जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वो कौन सा फ्रिक्शन है? वो फ्रिक्शन कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। और क्योंकि ये क्या हो रही है, व्हील रोल हो रही है, ये रोलिंग फ्रिक्शन है। अब बताओ कौन सा घर्षण कम है, रोलिंग फ्रिक्शन कम है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है? रोलिंग फ्रिक्शन कम है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है, बताइए। मैं दोनों में अगर पूछूं कि आपके हिसाब से कौन सा फ्रिक्शन फोर्स कम है, कौन सा बल कम है, रोलिंग कम है या स्लाइडिंग कम है? रोलिंग फ्रिक्शन कम है, बिल्कुल सही, रोलिंग फ्रिक्शन कम है। तो आप बहुत आराम से, है ना, ये घर्षण बल कम है, तो आप बैग को बहुत आराम से आगे लेके जा सकते हैं, एग्जैक्टली। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है रोलिंग फ्रिक्शन, ये हो गया हमारा ऑर्डर। सबसे अधिक कौन सा है? स्थैतिक घर्षण, फिर सर्पी और फिर बेलन, है ना, यानी स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। कोई पूछे सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा है, तो रोलिंग, बीच वाला हो गया स्लाइडिंग, सबसे अधिक फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है? स्टैटिक, ठीक है, सबसे अधिक फ्रिक्शन कौन सा हो गया है भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन। इजी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया, घर्षण के प्रकार आपको समझ आ गए आसानी, है ना,
यही कारण है कि इस तरह की बॉल बेयरिंग लगाई जाती है ना, हमारे जो व्हील्स होती हैं, जो हमारी बैग्स होती हैं, उसमें ये बॉल लगाई जाती है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यस, ये देखिए है ना, ये आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये वाला, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बॉल बेयरिंग घर्षण कम कर सकते हैं, बॉल बेयरिंग यानी ये गोल सी चीज घर्षण कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या देते हैं, ये रोलिंग फ्रिक्शन देते हैं। ये कौन सा घर्षण बल लगाते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन, जो सारे घर्षण के टाइप्स में, सारे घर्षण के प्रकार में सबसे कम है, सबसे कम है ना। ये बॉल बेयरिंग, रोलर स्केट्स है ना, स्केट्स में भी ये रोलर होता है, जब आप स्केटिंग करते हैं तब भी ये रोलर होता है ना? तब भी ये रोलर होता है, ठीक है। चलिए अब फ्रिक्शन अलग अलग लाइफ में आपके कहाँ कहाँ, डेली लाइफ में आपको फ्रिक्शन मिलता है उसके बारे में दिखा बताया गया है। जब ठंड होती है तो हम लोगों की एक आदत होती है कि हम अपने हाथ ऐसे मलते हैं आपस में, ये हथेलियां आपस में मलते हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा ठंड है ना। वही कर रही है ये लड़की। हाथ मलने से क्या होता है, हाथ मलने से क्या होता है, फ्रिक्शन काम कर रहा है। फ्रिक्शन कल ही बताया मैंने आपको, कॉन्टैक्ट फोर्स है, संपर्क बल है। जब दो सतह संपर्क में आते हैं तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है। अमरीश कुमार, ये एग्जाम्पल्स ही तो थे, बॉल बेयरिंग वाले, रोलिंग फ्रिक्शन का सब एग्जाम्पल ही तो दिया अमरीश कुमार, ये एग्जाम्पल ही तो है रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, रोलर स्केट्स में इस्तेमाल होता है। जो आप सामान लेके जाते हैं, अपने सूटकेसेस लेते हैं, सूटकेस में व्हील लगा रहता है, सब रोलिंग फ्रिक्शन का ही तो एग्जाम्पल है। ठीक है, सो ये जब आप अपने हाथ आपस में मलते हैं, हथेलियां आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होता है, उस वजह से फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन के वजह से ही क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के वजह से हीट, हीट उत्पन्न होता है। ये देखिए इस केस में क्या हो रहा है, जब आप माचिस जला रहे हैं, जब आप माचिस जला रहे हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, दो सतह आपस में क्या हो रही है, क्या हो रही है, जब ये दो सतह आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है, तो यहां पर भी घर्षण के कारण, घर्षण के कारण क्या हो रहा है, ये आग जल जाती है। तो फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत है, फ्रिक्शन जरूरी भी है, ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो जरूरी भी है और आपके लिए कभी कभार नुकसानदायक भी है। हमारे जूते घिस जाते हैं, जब हम जूतों को एक पर्टिकुलर समय तक पहनते हैं, है ना, जब हम अपने जूतों को एक खास समय तक पहनते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद कहते हैं अब ये पुराने हो गए, ये घिस चुके हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा, चप्पल जो हम घरों में अपने चप्पल पहनते हैं, जो बाथरूम स्लीपर्स होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो स्लिपरी हो जाते हैं, यानी कि अगर आप उसको गीले फर्श में जाइएगा तो चांसेस होंगे कि आप फिसल जाएंगे। क्यों फिसलते हैं, अभी दिखाती हूँ डायग्राम में। ये देखो, ये आपने देखा है ना, यहाँ पर, यहाँ पर कल एक आपको चीज मैंने बताई थी कि जो सतह जितनी ज्यादा रूखी है, जो सतह जितनी ज्यादा रूखी है, वहां पर घर्षण बल उतना ही ज्यादा है। रफर द सर्फिस, मोर इज द फ्रिक्शनल फोर्स। जितना ज्यादा रूखापन उतना ज्यादा घर्षण बल, ठीक है, उतना ज्यादा घर्षण बल। अब आप जब जमीन पे चलते हैं तो आप चाहेंगे कि घर्षण हो, अगर आप जमीन पर चले और घर्षण कम हुआ तो आप गिर सकते हैं। तभी हम गीले फर्श पे गिरने के चांसेस होते हैं हमारे, क्योंकि गीले फर्श पर क्या होता है, रफनेस कम होती है, फ्रिक्शन कम होता है, हम गिर सकते हैं। टायर में, टायर में ये खांचे क्यों बना दिए जाते हैं, टायर में ये खांचे क्यों बना दिए जाते हैं, ये खांचे इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि घर्षण बल कम हो, फ्रिक्शन बढ़े, फ्रिक्शन बढ़े, घर्षण बल बढ़े, और जो भी टायर इस गाड़ी में लगा है ताकि वो गाड़ी स्लिप ना हो जाए। कुछ टाइम के बाद आप जरूर देखते होंगे कि गाड़ी के टायर भी रिप्लेस करने की जरूरत होती है, गाड़ी के टायर भी अगर आपके घिस जाते हैं तो उनको भी बदलने की जरूरत है, यानी कि ये खांचे जब भर जाते हैं, कुछ टाइम के बाद ये खांचे जब भर जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये टायर पुराना हो गया है, इस टायर को हटा के नया टायर लगाओ। जूतों के साथ, ये जो जूते की क्या है भाई, सोल है, जो तलवा वाला हिस्सा होता है भाई, है ना, इसमें भी ग्रूव्स बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, स्पेशली हमारे बाथरूम स्लिपर्स में जो होता है ना, ये खांचे अगर क्या हो जाएं, डल हो जाएं बिल्कुल, तो क्या होगा, आपके गिरने के चांसेस हो, है ना, आपके फिसल के, गिरने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है शिव कुमार, कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था, हमेशा आप जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिस भी दिशा में अपना बल लगाते हैं, घर्षण बल हमेशा उसके विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक है शिव, तो आप आगे की ओर चलेंगे तो घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा, हमेशा घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है।
हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दो तरीके यहाँ पर है कि जहाँ पर फ्रिक्शन जरूरी है यहाँ पर घर्षण जरूरी है हमारे लिए, है ना। यहाँ पर घर्षण इज इम्पॉर्टेंट, फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैरम का जो गेम है ठीक है, ये देख लीजिए, सबने खेला होगा और हम सबने महसूस किया है कि जब हम स्ट्राइकर मारते हैं तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, भाई उसके ऊपर हम लोग पाउडर छिड़क देते हैं, है ना, टैल्कम पाउडर छिड़क देते हैं, ठीक है मोनिका। ये डिपेंड करता है किसके मुकाबले, मार्बल में किसके मुकाबले घर्षण। ऑब्वियसली अगर आप मार्बल से कोई भी रफ सरफेस लोगे, उससे कोई भी रूखा सतह लोगे तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा घर्षण, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप किससे कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो जितना रूखा, जितना ज्यादा जो भी सरफेस स्मूथ होगा, समतल होगा, जाहिर सी बात है उसमें घर्षण कम होगा, है ना। मार्बल अगर एकदम स्मूथ मार्बल आता है आजकल, जो आजकल आ रहा है बहुत महंगा, उसमें घर्षण कम होगा। एक बिल्कुल रफ जमीन के मुकाबले उसमें घर्षण कम होगा। जितनी ज्यादा रूखापन उतना ज्यादा घर्षण, हम कल ही बात कर चुके। इस गेम पर आइए, कैरम बोर्ड के इस गेम पे आइए। हमने अक्सर जब भी खेला है तो कैरम बोर्ड के ऊपर हम पाउडर छिड़क देते हैं, टैल्कम पाउडर जो होता है वो पाउडर डाल देते हैं। क्या कारण है इसका? कल की क्लास में जब मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ा रही थी, घर्षण पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि घर्षण का कारण क्या है। घर्षण का कारण क्या था कि दो सरफेस में इरेग्युलैरिटी होती है, यानी क्या होती है भाई, असमानताएं होती, और जब भी दो सरफेस आपस में टकराते हैं तो उनकी इरेग्युलैरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाती है, है ना। उनकी जो असमानताएं हैं वो आपस में फंस जाती है। अब आपने क्या किया, आपने कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा इस स्थिति में, पाउडर जाके इन असमानताओं के बीच, इरेग्युलैरिटीज के बीच फंस जाएगा। जब आपने पाउडर डाल दिया तो वो पाउडर क्या होगा, इरेग्युलैरिटीज के बीच में फंस जाएगा और घर्षण कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आप आसानी से जब अपना स्ट्राइकर चलाएंगे तो वो गोली सीधे भाई कैरम बोर्ड पे आपको जिता सकती है, ना, कैरम बोर्ड पर आपको जिता सकती। तो ये हुआ एक तरीका फ्रिक्शन कम करने का। मैंने बताया ना, फ्रिक्शन जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी है। फ्रिक्शन की दोनों साइड से, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी कभी फ्रिक्शन का होना भी दिक्कत है, है ना, फ्रिक्शन का होना भी दिक्कत है। तो पाउडर आप क्यों डालते हो, घर्षण बल कम करने के। घर्षण बल ऐसा क्या पाउडर करता है कि घर्षण कम हो जाता है, है ना। ये तो आपने सीख लिया कि भाई घर्षण कम करने के लिए, लेकिन फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, है ना। स्पेशली आपका 6th to 10th का जो फिजिक्स है, अगर आपको अच्छे से आ गई ना, 11th and 12th में, अगर आपको फ्रेंकली बताऊं, 11th and 12th की फिजिक्स बहुत ज्यादा 1-day कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, ठीक है। 11th and 12th की फिजिक्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस नीट और IIT में। 6th to 10th की अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, फिजिक्स की बेसिक्स ठीक है ना, फिजिक्स अच्छी होने का ये मतलब नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग लेवल की फिजिक्स आनी चाहिए, है ना। बेसिक अगर आपका सही है ना, तो आप 95% क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। 5% चीजें होती हैं, है ना, 5% चीजें होती हैं जो, हाँ, कभी कभार जैसे साइंस एंड टेक में आता है कि हाँ, उसको करंट अफेयर से रिलेट करके चीजें पूछ दी जाती है, उस पर आपको मेहनत। लेकिन अगर आपका बेसिक सही है तो 95% ऑफ क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। बेसिक से आई मीन फिजिक्स के केस में 6th to 10th की NCERT, है ना। उसके ऊपर से भले चीजें सप्लीमेंट की जा सकती है, बट ये बेसिक्स है, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ घर्षण कम होता है, पर क्यों कम होता है, क्योंकि वो जो आप पाउडर डाल रहे हो वो इन इरेग्युलैरिटीज, इन खांचों में जाकर फंस जाता है और फ्रिक्शन, तब जाके ये फ्रिक्शन कम करता है, ठीक है। ऐसे ही गाड़ियों में जो पार्ट्स लगे होते हैं उनमें भी फ्रिक्शन हो सकता है। फ्रिक्शन चीजों को जल्दी खराब भी कर सकता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हमारे जूते खराब हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, क्यों, घर्षण के वजह से, फ्रिक्शन के वजह से, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से बाकी चीजें भी, गाड़ियों वगैरह के भी जो पार्ट्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं। इसीलिए हम अधिकतर लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में स्नेहक कहते हैं,
ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं, यानी स्नेहक कहते हैं। अब ये लुब्रिकेंट क्या है भाई, ये लुब्रिकेंट क्या है, दो सरफेस के बीच पे, दो सरफेस के बीच में अगर आपने लुब्रिकेंट लगा दिया तो खुद सोचो क्या हुआ, रफनेस कम हो गई, रूखापन कम हो गया, रूखापन कम तो घर्षण कम, बहुत इजी, वेरी सिंपल। जिस तरह से आप यहाँ पे पाउडर डाल रहे थे ठीक उसी तरह से क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में हम लुब्रिकेंट डाल देते हैं, चाहे वो मशीन के पार्ट्स हो, गाड़ियों के पार्ट्स हो, उनमें क्या डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं, यानी कि स्नेहक डालते हैं, जिसके वजह से फ्रिक्शन यानी घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, यस, लुब्रिकेंट डालते हैं यानी स्नेहक डालते हैं। ये देखिए वही आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है कि घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं, जूतों के तले घिस जाते हैं, है ना, ये किसके वजह से है, दुष्प्रभाव है घर्षण का यानी फ्रिक्शन का। ठीक है, चलिए अब यहां पर अब हम बात करते हैं तरल घर्षण की, फ्लूइड फ्रिक्शन, इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, हिंदी में क्या कहते हैं, तरल घर्षण, तरल घर्षण। ये तो हमने पढ़ लिया भाई कि सॉलिड फ्रिक्शन, हमें अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं ना कि दो सर्फेसेस के बीच, दो सतह के बीच, तो जाहिर सी बात है वो ठोस की बात हो रही थी। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड का मतलब है लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना, जो द्रव है और जो गैसेस है उनको तरल कहते हैं, फ्लूइड कहा जाता है। तो जी हाँ, फ्लूइड में भी फ्रिक्शन होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन को हम इंग्लिश में ड्रैग कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन को हम इंग्लिश में ड्रैग कहते हैं, हिंदी में कर्षण कहते हैं, घर्षण के जगह कर्षण कहते हैं। ठीक है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन, अब फ्लूइड फ्रिक्शन बता रहा है कि किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, किन्हीं किन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में है, कोई भी वस्तु किसी तरल पदार्थ में है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, एक देखिए शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का आकार फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही ये एरोप्लेन इस शेप के होते हैं, जिनको हम स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कर्षण को कम करने के लिए ही ये शेप के होते हैं। बर्ड्स का भी यही शेप है ना, बर्ड्स का भी यही शेप है, क्योंकि जब ये हवा में उड़ेगी तो हवा भी कुछ घर्षण बल लगा रहा है, उसको कम करने के लिए ये शेप बना है। शेप, साइज, नेचर ऑफ फ्लूइड, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में है तो उस लिक्विड का नेचर कैसा है, क्या उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, क्या उसकी श्यानता ज्यादा है या कम है। ठीक है, क्या उसकी श्यानता ज्यादा है या कम है, वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में कितने स्पीड से चल रहा है, ज्यादा स्पीड होगी तो घर्षण ज्यादा हो जाएगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो घर्षण ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो हर फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। बेसिकली यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ड्रैग पे बन सकता है, इंग्लिश में उसको ड्रैग कहते हैं, हिंदी में उसको कर्षण कहते हैं। ठीक है, कि क्या फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन होता है, यही कारण है कि एरोप्लेन का शेप इस तरीके का होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन कम करने के लिए। आप चाहेंगे ना कि एरोप्लेन बहुत स्मूथली चली जाए, बहुत आराम से जाए, तो इसका फ्रिक्शन कम होना चाहिए, है ना, जो हवा के इसके आसपास जो हवा है उस हवा का घर्षण बल कम होना चाहिए, इसीलिए ये शेप होता है। ठीक है, इसी वजह से ये शेप होता है। ठीक है, चलिए ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने थोड़े से नोट डाउन कर किए थे। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, हमने देखा अभी जब हम हाथ मलते हैं तो फ्रिक्शन के वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, मैं इसको हिंदी कर देती हूँ, ये इंग्लिश में रह गया। ठीक है, तो घर्षण के वजह से क्या हो रही है भाई, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो जरूर कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी जो ऊर्जा है वो क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। ठीक है, अब जो हमारी टायर है, टायर का घिस जाना, जूते के तले का घिस जाना, ये भी घर्षण के वजह से हो रहा है। ठीक है, घर्षण मोशन को रेजिस्ट करती है, बिल्कुल सही, आप आगे चलते हैं घर्षण आपको पीछे खींचता है तो ये रेजिस्ट करता है।
ठीक है, कभी कभी जब पत्तों के बीच बहुत अधिक फ्रिक्शन होता है उसके वजह से बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में जो आग लगती है, जंगलों में जो आग लगती है फ्रिक्शन घर्षण के वजह से भी लगती है, क्योंकि जब घर्षण हो रहा है तो पत्ते आपस में टकरा रहे हैं और अधिक मात्रा में ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ नॉइस इन मशीन्स इज ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, बेसिकली घर्षण जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो चीजें आपकी जल्दी खराब हो जाएंगी, है ना, चीजें आपकी जल्दी से खराब हो जाएंगी, और उस वजह से हो सकता है ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन हो जाए, यानी जहां पहले आपकी माइलेज ज्यादा थी, जहां पहले माइलेज ज्यादा थी वो माइलेज कम, है ना, वो माइलेज क्या हो गई, वो माइलेज कम हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ऊष्मा के जो दुष्प्रभाव है वो, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन कुछ हद तक हमने कर रखा है, स्नेहक का इस्तेमाल करना, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना यानी स्नेहक का इस्तेमाल करना, व्हील्स इस्तेमाल करते हैं, है ना, पहिए जो होते हैं उनमें खांचे बने होते हैं, बॉल बेयरिंग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बॉल बेयरिंग रोलिंग फ्रिक्शन करते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, ढोलक जब बजाते हैं कैरम की तरह ढोलक में भी पाउडर डाल देते हैं, सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, जब आप दो सतह को पॉलिश कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो चिकने हो जाएंगे, रफ नहीं रहेंगे और फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये घर्षण को कम करने के क्या हो गए, स्टेप्स हो गए, क्या क्या है, लुब्रिकेंट यूज करना, स्नेहक का इस्तेमाल करना, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, कैरम बोर्ड पे जैसे पाउडर डालते हो ठीक उसी तरीके से ढोलक पे भी पाउडर डाल दोगे तो वहां पे भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा, हमारी जो गाड़ियां हैं उनके जो पहिए हैं उनमें खांचे बने होते हैं फ्रिक्शन को क्या करने के लिए, खैर वो तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होते हैं, है ना, तो ऊपर व्हील्स ताकि इसीलिए गाड़ियों में होते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है एरोप्लेन की वो भी फ्रिक्शन को कम करती है, बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं या हमारे जो सूटकेस हैं उनमें पहिए लगाए जाते हैं ताकि, क्योंकि वो रोलिंग फ्रिक्शन दिखाते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कमजोर फ्रिक्शन है। ठीक है, चलिए फ्रिक्शन बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, दो तरीके हमने कल देखे हुए, फ्रिक्शन बढ़ाने के क्या तरीके हैं, मेक सर्फेसेस रफर, है ना, सतह को रूखा कर दो, मास बढ़ा दो, है ना, इसके बाद खांचे बना दो, ग्रूव्स बना दो, खांचे बना दो, ब्रेक शू होता है हमारी गाड़ियों में, ब्रेक शू होता है, ये कुछ तरीके हो गए फ्रिक्शन बढ़ाने के। ठीक है, चलिए एक बार हम चैप्टर की समरी देख लें कि हमने कोई चीज तो नहीं छोड़ी है। ठीक है, पढ़ते हैं, घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच साक्षेप गति का विरोध करता है, यानी फ्रिक्शन रेजिस्ट मोशन, ये दोनों पृष्ठों पर काम करता है, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बोथ द सर्फेसेस, है ना, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बोथ द सर्फेसेस, घर्षण संपर्क के दो पृष्ठ की प्रति के प्रकृति पर निर्भर करता है, राइट, फ्रिक्शन डिपेंड्स की दो सर्फेसेस का नेचर कैसा है, जितना ज्यादा रूखा उतना ज्यादा फ्रिक्शन। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिपचिपेपन की अवस्था पर निर्भर करता है, है ना, घर्षण इस बात पर निर्भर करता है दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बल पूर्वक दबाते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विश्राम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं, है ना, बंद गाड़ी को धक्का देना। ठीक है, सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब काम करता है, ये तब काम करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है, यानी जब गाड़ी चलनी शुरू हो गई, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकल्पों के लिए महत्वपूर्ण है, किसी पृष्ठ को रूक्ष बनाकर यानी रफ करके घर्षण बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जूते की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं, कभी कभी घर्षण अनचाहा होता है, अवांछनीय यानी अनचाहा होता है, लुब्रिकेंट लगाकर स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन कार्य करना आरंभ करता है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है,
सबसे कम रोलिंग, फिर स्लाइडिंग और सबसे अधिक स्टैटिक फ्रिक्शन। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है, बिल्कुल सही। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है ना, जो किसकी बॉडी होती है, एरोप्लेन की बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। तो जब आप इस चैप्टर की समरी पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से लिखा है, आपने क्या सीखा, पूरे चैप्टर को आपको इन्होंने अपने पॉइंट्स में समराइज कर दिया। तभी मैं कह रही हूँ चैप्टर की समरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर पढ़ने का अगर आपके पास समय नहीं है, आपकी बेसिक्स, तो जरूर चैप्टर के लिए का समरी जरूर पढ़ें। और इवन इफ आपके बेसिक्स अच्छे भी हैं, तब भी चैप्टर की समरी जरूर पढ़ें। सारी चीज जो आप लोग कहते हैं ना कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, सारा कुछ एनसीईआरटी में। आपने अगर एक बार चैप्टर को समझ लिया, सिर्फ इसकी समरी को देखकर, सिर्फ इसके समरी जो ये संदर्भ में लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ इसको देख के शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा ना, तो आपका काम खत्म है। पूरी चीज को एनसीईआरटी दे, है ना, खाना परोस कर दिया हुआ है और आप लोग इधर उधर ढूंढते हैं कि नोट्स कहाँ से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है साउंड, यानी कि ध्वनि। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वो है साउंड यानी ध्वनि। क्या है साउंड, क्या है साउंड? अब मत बोलना वेव है, ये है, वो है, है ना। बहुत सारे ज्यादा बातें यहाँ पर कर नहीं रखी हैं कि टाइप्स ऑफ वेव्स कौन सी है ना, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। मुझे पता है आप सबके वो सवाल होंगे दिमाग में, बट अभी हम वही बात करेंगे साउंड की जो 8th स्टैंडर्ड आपकी बताती है, ठीक है। बेसिकली आपको पता है साउंड क्या है। साउंड क्या है भाई, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है भाई, ध्वनि क्या है, फॉर्म ऑफ लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। चलिए अब इसके बाद और कुछ बातें आपको साउंड के बारे जाननी है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको देते हैं, ठीक है। अब इन एक्सपेरिमेंट्स में मैं एक चीज आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप दो वर्ड्स के बीच में अंतर जानिए। वाइब्रेशन वर्ड सुना है ना आप सबने, हिंदी में उसको कंपन कहते हैं। वाइब्रेशन को हिंदी में कंपन कहते हैं। दूसरा वर्ड है ऑसिलेशन, दूसरा वर्ड है ऑसिलेशन, तो हिंदी में दोलन कहते हैं, ठीक है, राइट। सबसे पहली चीज अगर आपने नोटिस किया हो, इनफैक्ट आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके पास नहीं है, कुछ भी बोल कर देखिए, कुछ भी बोल कर देखिए और गले में यहां पर, है ना, अपने यहां पर अपनी आवाज आप फील करिए, ठीक है, यहां पर अपनी आवाज फील करिए आप, आपको यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस होगी, कंपन महसूस। आप कुछ भी बोलकर देखिए, अपने गले के पास हाथ रखकर देखिए, आपको यहाँ पर एक कंपन महसूस, ठीक है। तो कंपन से ही, वाइब्रेशन से ही साउंड बनता है। ऑब्जेक्ट्स जब वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, चाहे वो ढोलक हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो हारमोनियम हो, जो भी चीज है उसका कारण क्या है, वाइब्रेशन यानी कंपन। अब यहाँ पे मैं आपको दो शब्दों में डिफरेंस बताना चाहूंगी, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में, ठीक है, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन में डिफरेंस बताना चाहूंगी। ये देखिए, आपने अधिकतर देखा होगा पेंडुलम के बारे में, है ना। पेंडुलम इधर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाता है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये ऑसिलेशन है यानी दोलन है, ठीक है। क्या फर्क हुआ भाई फिर ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में, ये भी तो ऐसे ही आवाज आ रही है, है ना। ऑसिलेशन याद रखिएगा हमेशा एक दिशा में होता है, एक या दो दिशा में सीमित होता है, ठीक है, दिशाओं में सीमित होता है। वाइब्रेशन कंपन हर दिशा में होता है, कंपन हर दिशा में होता है। ऑसिलेशन यानी दोलन जो है वो स्लो होता है थोड़ा। ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन है, ये थोड़ा सा स्लो है। वाइब्रेशन यानी कंपन क्या होता है, तेजी से होता है। मैं ऐसे 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 ये कर रही हूँ, ये क्या है, ये वाइब्रेशन है, ये अब वाइब्रेशन कहलाएगा क्योंकि तेजी से हो रहा है, ठीक है, ये तेजी से हो रहा है, ये वाइब्रेशन कहलाएगा यानी कंपन कहलाएगा, और सारी दिशाओं में होगा। ध्यान रखेंगे, वाइब्रेशन सारी दिशाओं में होता है, कंपन सारी दिशाओं में होता है, ऑसिलेशन सारी दिशाओं में नहीं हो रहा,
ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि भाई क्या है, ऑल्दो ये टर्म्स बुक्स में इंटरचेंजेबली यूज कर दिए जाते हैं, एक साथ बोल दिया जाता है, कंपन दोलन एक ही बात है। इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी भी आगे चल के फ्रीक्वेंसी जब आवृत्ति को परिभाषित करती है तो वहां पर भी उन्होंने दोलन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में एक बहुत माइनर डिफरेंस है जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए कंपन और दोलन के, क्या कि दोलन सारी दिशाओं में होता है, सॉरी कंपन सारी दिशाओं में होता है, दोलन सारी दिशाओं में नहीं होता। दोलन थोड़ा स्लो होता है, कंपन और तेजी से, ठीक है। तो वाइब्रेशन के वजह से, कंपन के वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ध्वनि, ठीक है। चलिए अभी इस पर आएंगे हम। देखिए साउंड के बारे में एक बहुत ज्यादा खास बात है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मैंने यहाँ कुछ बोला, वो आवाज मेरे दूर के दोस्त को या थोड़े से दूर खड़े हुए दोस्त के कानों में जाए के लिए साउंड को हमेशा एक माध्यम की जरूरत होती है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ध्वनि को हमेशा माध्यम की जरूरत होती है, बिना माध्यम के ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। अब ये माध्यम क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता, ठोस, तरल, गैस, कुछ भी हो सकता। फर्क क्या है, फर्क आपको जानना है कि साउंड सबसे तेज में आपको इस एनिमेशन में दिख रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है, सबसे पहले साउंड सॉलिड में ट्रैवल कर रहा है ना, उसके बाद क्या है, फिर लिक्विड में ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद गैस में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो सबसे तेज, कोई पूछे कि सबसे तेज साउंड किस मीडियम में ट्रैवल करता है, साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, जो ध्वनि है वो सबसे तेजी गति में किस किस माध्यम में जाता है, तो क्या बोलेंगे, सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, साउंड को एक मीडियम की जरूरत है, निर्वात में यानी वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, साउंड डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम, निर्वात यानी जहां पर एयर नहीं हो, जहां पर एयर नहीं हो, वायु नहीं हो, वहां पर साउंड नहीं ट्रैवल कर सकता, वहां पर ध्वनि नहीं जा सकती। तो साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम, ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम निर्वात में साउंड नहीं जा सकता। अब इसको दिखाने के लिए कुछ कुछ आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी देके रखी है, अब उन पे हमें नहीं फोकस करना है, हमें उसका मेन निष्कर्ष जानना है ना, क्योंकि अब हम स्कूल के बच्चे तो है नहीं कि हम एक्टिविटी और ये चीजें देखेंगे, हमें मेन कॉन्सेप्ट समझना है, निष्कर्ष देखना है। तो निष्कर्ष में क्या पूछा जाएगा कि साउंड, स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस में होगा भाई, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और सबसे कम होगा, देख रहे हो ना, सबसे पहले सॉलिड में गया, फिर लिक्विड में गया, फिर गैस में गया, ठीक है। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता, डन, ये वाली बात हमने कर ली। चलिए ये क्या बात हुई भाई, ये इन्होंने बताया है जल तरंग के बारे, इसके बारे, जल तरंग के बारे। बहुत सारी कटोरियां हैं यहाँ पे, बहुत सारी कटोरियां हैं और हर कटोरी में अलग अलग मात्रा में पानी रखा हुआ है ना, ये इंसान क्या कर रहा है, हर कटोरी में ऐसे ऐसे बीट कर रहा है जिसके वजह से यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, कंपन प्रोड्यूस हो रही है और ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना, जल में तरंग बन रही है, तो इसको कहेंगे जल तरंग। सारे एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, मैंने कहा जब भी क्लास करिए एनसीईआरटी बुक को सामने रख कर क्लास करिए, जरूरी है। चलिए इसके बाद आपकी बात आती है, मैंने आपको अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको क्या करना है, कुछ भी बोलना है और गले पर हाथ रखना है। जब आप गले पर हाथ रखते हैं तो आपको वाइब्रेशन यानी कंपन महसूस, क्यों महसूस हो देखिए ये क्या है भाई, ये कहलाता है, यहां पर लिख रही हूं, इंग्लिश में लैरिंग्स कहते हैं, हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहते हैं या स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक है, इसी से हमारी आवाज निकल रही है। अब होता क्या है ना, लैरिंग्स के ऊपर, ये मान लीजिए लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, जैसे आपके कमरे में खिड़की पे पर्दे लगाते हो ना, एक पर्दा इधर से, एक पर्दा इधर से, ठीक उसी तरह लैरिंग्स पे इस तरह से ऐसे दो पर्दों के समान चीज होती है। पर्दों के समान इस चीज को हम नाम देते हैं वोकल कॉर्ड,
वोकल कॉर्ड कहते हैं हिंदी में, स्वर रज्जू के, क्या कहते हैं हिंदी में, स्वर रज्जू। ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर, ठीक है, लैरिंग्स के ऊपर ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये क्या है, ये वोकल कॉर्ड है यानी स्वर रज्जू है। वोकल कॉर्ड कितने होते हैं हमारे पास, दो वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है, ह्यूमंस के पास हमारे पास दो वोकल कॉर्ड्स हैं, दो स्वर रज्जू। अब क्या होता है कि यहाँ आपने सांस लिया, नाक से सांस लिया है ना, वो सांस भी कुछ हद तक आती है यहाँ पे, लैरिंग्स के नीचे क्या होता है, ये लैरिंग्स स्वर यंत्र के नीचे आपकी वायु नली होती है, ठीक है, ठीक इसके नीचे यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है आपकी विंड पाइप है यानी आपकी वायु नली, यानी जब आप सांस लेते हैं और वो हवा इस जगह से गुजरती है तो यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, यहाँ पर कंपन पैदा करती है ना, यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, यहाँ पर कंपन पैदा करती है, जिस वजह से हमारी आवाज निकलती है, ठीक है। मान लीजिए वोकल कॉर्ड्स में दिक्कत आ गई, ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं किए तो क्या आपकी आवाज निकलेगी, नहीं। तो क्या होता है जब हम सांस लेते हैं, हमारे सांस लेने की वजह से यहाँ पे एयर आती है और यहाँ पर क्या होती है, उस एयर का वाइब्रेशन होता है यानी कंपन होता है और उसी वजह से हमारी आवाज निकलती है। अब वोकल कॉर्ड के बारे आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको देती है, आपसे पूछा जा सकता है मेन में यानी पुरुष में वोकल कॉर्ड कितने हैं, 20 मिलीमीटर लंबाई है मेन में, जबकि फीमेल में छोटे होते हैं 15 मिलीमीटर। सबसे वोकल कॉर्ड की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो पुरुषों में है 20, महिलाओं में कितनी है 15, और छोटे बच्चों में तो भाई बहुत ज्यादा छोटी है ना। आपने अधिकतर देखा होगा मेल्स, फीमेल्स और बच्चे तीनों की आवाज अलग, पुरुष स्त्री एक छोटा सा बच्चा, तीनों की आवाज अलग होती है। एक कारण तो क्या है भाई, वोकल कॉर्ड की लंबाई, जो स्वर रज्जू है, जो स्वर रज्जू है उसकी लंबाई देखिए 20 मिलीमीटर पुरुषों में, स्त्रियों में 15 यानी 5 मिलीमीटर का फर्क है और बच्चों में बहुत छोटी। अभी आगे चल के मैं आपको पिच वगैरह बताऊंगी है ना, पिच क्या है ये सारी चीजें बताऊंगी तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो एक कारण सबकी अलग अलग आवाज होने का क्या है, वोकल कॉर्ड स्वर रज्जू की लंबाई में अंतर है ना, स्वर रज्जू की लंबाई में अंतर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद थोड़ी सी बात आपके कानों के बारे हो रही, क्योंकि कान हमें सुनने में मदद करते हैं, अगर साउंड चैप्टर है और कान के बारे नहीं पढ़े तो ऐसा कैसे, ईयर जो आपके कान है ये आपको सुनने में मदद करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है ना, ये जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है ये कहलाता है पिन्ना। पिन्ना पूरे कान को, थोड़ा सा जान लीजिए, पूरे ईयर को, पूरे कान को आप दो तीन भागों में बांट सकते हैं, बाह्य कान, मध्य कान और अंतः कान। पूरे कान को आप तीन में बांट सकते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। अब ये जो बाहरी कान है इसका ये वाला हिस्सा कहलाता है पिन्ना। पिन्ना का काम क्या है, जो भी साउंड वाइब्रेशन है आपको बाहर से, जो भी साउंड की वाइब्रेशन कंपन आ रही है, उन सबको इकट्ठा करना, उन सबको इकट्ठा करना और आगे भेजना, इकट्ठा करके क्या आगे भेजना, ये रास्ता क्या कहलाता है भाई, ये जहाँ पे आप कान से आप अपना कान सफाई करते हैं ना, ये डाल के ईयरबड, ये क्या कहलाता है भाई, ये क्या कहलाता है, ईयर ड्रम, ईयर ड्रम नहीं कहलाता, सॉरी, ये कहलाता है ईयर कैनाल, ईयर कैनाल कहलाता है। और ये फाइनली अंदर ये वाला है आपके कान का पर्दा है ना, ये फाइनली इसके अंदर होता है आपका ईयर ड्रम यानी आपके कान का पर्दा, कर्णपटल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके कान का पर्दा। इसके बाद मध्य कान आता है, मध्य कान में तीन हड्डियां होती हैं, मध्य कान में तीन हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, और उसके बाद आता है अंतः कान। बेसिकली आपको सुनने में, सुनाई देने में मदद कर रहा है अंतः कान। बाह्य कान का क्या काम हुआ, सारी कंपन को एकत्रित करना, सारे के सारे कंपन को एकत्रित करना, उसको भेजना। मध्य कान का काम है उन कंपन को एम्पलीफाई करना, उनको बड़ा करना, और असल में आप जो सुनते हैं वो अंतः कान में एक ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है, कॉटाई का अंग होता है जो अंतः कान में आपको सुनने में मदद करता है।
ठीक है, ये पूरा ह्यूमन ईयर, ये पूरा मानव कान कैसे काम करता है उसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो तीन हिस्से, इसका काम इकट्ठा करना, इसका काम कंपन को बढ़ाना, इसका काम असल में सुना आपको सुनाई जो देता है। ठीक है, ये है आपके कान का पर्दा, कर्णपटल या ईयर ड्रम, कर्णपटल या ईयर। ठीक है, आगे चले, चलिए इसके बाद थोड़े से वेव के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि जो आपका साउंड है, जो आपका साउंड है, जो आपका आपकी जो ध्वनि है वो असल में एक वेव है, एक तरंग है। और जब भी वेव ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम में, किसी माध्यम में, जब तरंग क्या होता है ट्रैवल करता है, तो वो इस फॉर्म में ट्रैवल करता है ना, इस तरीके से हम उसको दर्शाते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं इन ऊंचाई की, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं ट्रफ, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रफ। ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, हिंदी में हम उसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच, है ना, इस दूरी को हम लैम्डा से लिखते हैं, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। ये लंबाई कितनी है, है ना, ये जो लंबाई हुई इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या आयाम। कई बार बोलते हैं ना, उसकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा तेज है ना, ये आयाम ही डिसाइड करता है, ये आयाम पे ही निर्भर करता है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, आयाम ज्यादा है, तो वो आवाज बहुत ज्यादा लाउड होगा, वो आवाज बहुत ज्यादा लाउड होगी। ठीक है, सो ये क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है ना। हम इसको वेवलेंथ है तो इसको मीटर में नापेंगे, और भी इसके यूनिट्स हो सकते हैं, है ना, एंगस्ट्रॉम हो सकता है, बहुत सारे और यूनिट्स। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, ये भी लंबाई है, तो इसको भी मीटर में नापेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, आवृत्ति क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत आसान है फ्रीक्वेंसी को समझना। मान लीजिए मैं खड़ी हूं दिल्ली में बस स्टॉप पे, मुझे लखनऊ भी जाना है, मुझे लखनऊ जाना है, और मेरे साथ कोई और खड़ा है, उसको अलाहाबाद जाना है, प्रयागराज जाना है। चलिए, मैंने देखा लखनऊ के लिए बस आधे घंटे में एक बार आती है, हर आधे घंटे में लखनऊ के लिए एक बस आती है, लेकिन प्रयागराज के लिए हर 10 मिनट में एक बस आ रही है। लखनऊ के लिए आधे घंटे में एक बस आती है, लेकिन प्रयागराज के जाने के लिए क्या होता है, प्रयागराज जाने के लिए क्या हो रहा है भाई, हर 10 मिनट में एक बस आ रही है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, हम क्या कहेंगे, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, प्रयागराज जाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो ज्यादा है ना। तो फ्रीक्वेंसी है कितनी बार कोई चीज की जा रही है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मतलब आपको अपने रिविजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है, और पढ़ने की जरूरत है, उसको और बार करने की, है ना। तो यहाँ पर बात करें तो ये एक और ये दो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमको दो दिख रही है, है ना। मान लीजिए मैं दो वेव्स बनाती हूँ, एक ऐसे बनाया और एक, पूछे कहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आवृत्ति कहाँ पर ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा। ठीक है, तो कितनी बार कोई चीज की जा रही है वो है फ्रीक्वेंसी, यानी वो है आवृत्ति। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द मीडियम आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज नोन एज द एम्पलीट्यूड या आयाम। कि मीन साइड में, मीन वैल्यू में, मीन वैल्यू के ऊपर या नीचे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना विस्थापन हुआ, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड या आयाम। शून्य अवस्था से दोनों दोनों साइड में, दोनों छोर पर कितना विस्थापन हुआ, शून्य अवस्था से दोनों छोर पर कितना विस्थापन हुआ, ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, यानी आयाम।
जितना ज्यादा आयाम उतना ज्यादा शोर, जितनी ज्यादा तेज आवाज, ठीक है, जितना ज्यादा आयाम उतनी ज्यादा आवाज। तो मैंने आपको बताया लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड, ठीक है। आइए फ्रीक्वेंसी देखते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, है ना। एक सेकंड में कितना दोलन हुआ, एक सेकंड में कितना दोलन हुआ, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो आवृत्ति हो। एक सेकंड में कितना दोलन हुआ, कितना ऑसिलेशन हुआ या कितना दोलन हुआ, वो क्या कहलाएगा, वो आवृत्ति कहलाएगी, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और उसको हम किससे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हर्ट्ज में एक्सप्रेस, हर्ट्ज लिखते हैं, ठीक है, हर्ट्ज। समझ में आ गई है बात, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, वन अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, या सेकंड टू द पावर माइनस वन, है ना। यहां पे देखिए टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो सेकंड टू द पावर माइनस वन भी लिख सकते, ठीक है, सेकंड टू द पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस वन, ठीक है। चलिए अब लास्ट यहां पर बस ये ग्राफ देख लेते हैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर ये आयाम कम है, एम्पलीट्यूड कम है तो ये क्वाइटर है, यहाँ पर आयाम ज्यादा है तो ये लाउडर है, है ना। एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा। एम्पलीट्यूड मतलब ये जो लेंथ है ना, ये जो विस्थापन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड, ये ज्यादा तो वो साउंड ज्यादा, ये कम तो ये साउंड। पिच की बात करें, पिच की बात करें तो पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, पिच आवृत्ति पर डिपेंड करती है। आवृत्ति ज्यादा तो पिच ज्यादा, आवृत्ति कम तो पिच कम, ठीक है। अब इसको और डिटेल में हम समझेंगे, यहाँ पे और चीजें समझेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में चीजें इसको समझेंगे। बिल्कुल सही गौतम, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बिल्कुल सही। अगर एम्पलीट्यूड को दो गुना कर दोगे तो लाउडनेस चार गुना बढ़ जाएगी, है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए तो बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, साउंड को फिनिश करेंगे। कल हम लोग साउंड फिनिश करेंगे, ध्वनि खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर क्या शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सारी चीजों के बारे देखेंगे। तो कल क्लास में हम लोग केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब लोग प्लीज एनसीईआरटी लेकर बैठा करें, है ना। थैंक यू सो मच, बाय।